मौसम का क्या है, वो तो आता है और जाता है, पर यम्मी सी रेसिपीज बनाने का मन ही लगाता है। क्यों, आज ने मैंने सोचा बढ़िया सी टमाटर की पकौड़े की रेसिपी बनाते हैं, थोड़े यूनिक स्टाइल में, थोड़ी स्ट्रीट स्टाइल में। तो सबसे पहले क्या करना, एक मिक्सिंग बाउल लेना, उसमें आप बेसन ले लेना। यहाँ पे मैंने 1.5 कप बेसन लिया, उसमें मैंने अजवाइन डाली, सोडा डाली, नमक डाली, हल्दी डाली और रेड चिली पाउडर, वाटर डाल के इसे अच्छे से थिक बैटर में मिक्स कर लेना। इसका बैटर थिक ही होना चाहिए ताकि नहीं इसमें टमाटर जो है अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद ना टमाटर को अच्छे से कोट करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेना, गरम ऑयल में लो फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना। फ्राई करते करते जलाना नहीं इसे ना, अपना अच्छे से फ्राई करते ही रहना, अच्छे से 7-8 मिनट तक लो ही फ्लेम में फ्राई करना। और ना फिर ये जब सारे टमाटर जो है फ्राई हो जाना, आपको जितने भी टमाटर लेने सारे जब टमाटर फ्राई हो जाना, उसके बाद ना इन्हें ना आप ना कट कर लेना बीच से। मतलब ये टमाटर को है, उन पकौड़ों को आप ना बीच से कट कर लेना, और कट करने के बाद ना जो टमाटर जो बीच में रहेगी ना उसे आप निकाल लेना। इसका छिलका अपने आप निकल जाएगा, तो उसका जो टमाटर है उसे आप निकाल लेना। और निकालने के बाद सारे टमाटर को एक मिक्सिंग बाउल में आप डालना, और उसके बाद ना इसमें आप ना कटी हुई प्याज डाल लो, और उसके बाद इसमें हरी मिर्च कटी हुई और कटी हुई धनिया ये सब डाल लोगे ना, उसके बाद इसमें ना आप लेमन जूस भी डाल लेना, और रॉक सॉल्ट, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और ना क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर, और लाल मिर्ची की पाउडर, और थोड़ी सी ना नमक आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने ना बालाजी की भेल डाली है, आप मुरमुरे या फिर और कोई भी नमकीन ले सकते हो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लो, थोड़ी स्ट्रीट स्टाइल में मिक्स करना। और उसके बाद जो आपने ना बेसन की लेयर रखी थी ना उसे फेंकना नहीं, उसे रखे रहना। उसमें जो आपने ना टमाटर की जो ना आपने भेल जैसी कुछ स्टफिंग चाट जैसी बनाई थी ना उसे ना इस ना बेसन की लेयर में वापस ना स्टफ कर लेना। और इसके बाद इसमें आलू भुजिया और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स मतलब धनिया पत्ती और डाल लो, और इसे थोड़ा डेकोरेट कर लो, और इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। इसका टेस्ट ना मुझे बहुत पसंद आया, तो आप ना इसे ज़रूर ट्राई करना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना ही करना, और कमेंट भी करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।